वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2 है, हनीडू बुक से है, द सुनामी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। अब पहले कुछ ट्रू फॉल्स है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो पहले ट्रू फॉल्स करेंगे। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इन सुनामी। तो जो इग्निशियस जो करेक्टर है स्टोरी में, जब हमने ये पढ़ा था तो उसमें सुनामी में उसकी वाइफ भी मर जाती है, उसके बच्चे भी मर जाते हैं दो, उसके फादर इन लॉ भी और ब्रदर इन लॉ भी। तो ये सही बात है, तो राइट आंसर है, इट इज ट्रू। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव कौन था? संजीव जो गार्ड था, जो अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है लेकिन वो खुद भी मर जाता है, सुनामी उसको बहा के ले जाती है। तो ये फॉल्स है। मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर। हालांकि मेघना को बचाने के लिए रिलीफ हेलीकॉप्टर आया तो था लेकिन उसने उसे नहीं देखा था। मेघना कैसे बची थी? वो लकड़ी के एक तख्ते पे डोर के ऊपर तैरती रही थी दो दिन तक। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अल्माज फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आईलैंड। अल्माज के फादर ने क्या देखा कि जो पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उन्होंने ये देख लिया कि ये पानी अब बड़े फोर्स से आगे की तरफ आएगा। तो ये सही बात है, ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। तो जो अल्माज की आंटी थी और उसकी जो मदर थी, उन्होंने क्या पकड़ लिया था? एक कोकोनट ट्री को पकड़ लिया था लेकिन वो ट्री भी बह गया था और उसमें दोनों की मौत हो गई। तो ये वाली बात भी है सच। अब हम करेंगे चिल्ड्रन इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों गई थी? तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, टिली की फैमिली थाईलैंड गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। टिली ने और उसकी मम्मी ने क्या देखा बीच के किनारे? उन्होंने देखा कि जो सी वेव्स हैं बहुत हाई उठ रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची जा रही हैं और वो फोम बना रही हैं। फोम क्या होता है? ये इस तरह से जैसे बन जाता है। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, टिली एंड हर मदर सॉ राइजिंग वेव्स। राइजिंग मतलब ऊंची उठती हुई वेव्स देखी, विच स्टार्टेड टू फोम, और उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया था? फोम। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाई देम। अलार्म का मतलब होता है थोड़ा घबराना, डरना। क्या आपको लगता है टिली की मम्मी ये सब देख के थोड़ा डर गई थी? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म बाई देम, क्योंकि उनको पता ही नहीं था सुनामी वगैरह क्या होता है, वो डरी नहीं थी। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने ये सारी चीजें कहाँ सीखी थी कि जो समुन्दर होता है अलग से बिहेव करने लगता है? हुआ ये था कि उसके जो ज्योग्राफी टीचर थी, उन्होंने कोई क्लास वगैरह ली थी तो उन्होंने स्कूल में ही कोई वीडियो दिखाई थी प्रोजेक्टर पे, तब उन्होंने बताया था सुनामी के बारे में, तो वो वाली बात टिली को याद आ जाती है। टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन ऑन हर क्लास प्रोजेक्टर। ठीक है, तो जो टिली है उसने ये चीज ऑलरेडी सीख रखी थी अपनी क्लास में, उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उन्होंने ये वाली बात उसको बताई थी और प्रोजेक्टर पे वीडियो भी दिखाया था। Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? जो स्मिथ फैमिली थी जो बीच पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, वो और दूसरे लोग जब उन्होंने सुनामी लहरें आती हुई देखी तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहाँ चले गए? चिल्ड्रन, वहां पास में ही एक होटल था जिसमें वो ठहरे हुए थे, उसका जो थर्ड फ्लोर था वो उस पर चले गए और फाइनली वो जाके बच गए। स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स वेंट टू द थर्ड फ्लोर। कौन से फ्लोर पे चले गए थे? थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल, एक होटल के, एंड सेव देमसेल्व्स, और इस तरह से उन सब ने अपनी जान बचाई। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन, यहां पे आएगा शी, हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो जो ज्योग्राफी टीचर थे उनके, उनको कैसा लगा होगा जब उनको ये पता चला कि भाई मेरे एक बच्चे ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि दूसरे लोगों की भी जान बचाई? तो ओबियस बात है, टीचर को यार बड़ा प्राउड फील हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरे पढ़ाने से एक बच्चे को, न केवल उस बच्चे को फायदा हुआ बल्कि उसकी फैमिली को और वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस, उन सबको भी फायदा हुआ और सबकी जान बच गई। तो बस इसका आंसर हम लिखेंगे, शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुई थी और सेटिस्फाइड।
इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? लोग तो 1.5 लाख लोग मर गए थे, लेकिन एनिमल्स कितने मरे थे? तो इसका आंसर देने से पहले हम कुछ चीज समझेंगे। चले, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होता है, एक अलग से पावर होती है। जब भी सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला होता है तो इनको पता चल जाता है, और यही रीजन है जब 1.5 लाख लोग मर गए, एक इंसान जो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट कहता है, जब 1.5 लाख लोग मर गए तो बहुत ही कम जानवर थे जो उसमें मरे थे। आंसर देखिए, बस आपको ये लिखना, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत ही कम एनिमल्स मरे थे। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? जो याला नेशनल पार्क है उसमें कितने लोग मरे थे और एनिमल्स कितने मरे थे? लोग मरे थे 60, ठीक है, पीपल, और एनिमल्स कितने मरे थे? 2 एनिमल्स। अब आप देखो, एक तरफ 60 और एक तरफ 2, इसका मतलब हमको क्या पता चलता है? भाई कोई ना कोई पावर तो है एनिमल्स के पास जो उनको ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है कि कोई तबाही आ रही है, कोई सुनामी आ रही है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, और वो वहां से दूर चले जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहां पर भी दिख रहा है। What do people say about the elephants of the Yala National Park? Yala National Park में बहुत सारे animals हैं और elephants, हाथी वगैरह हैं। तो लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? भाई लोगों ने ये वाली बात कहा कि जब सुनामी आने वाली थी उससे 1 घंटे पहले ही जितने भी हाथी थे, जितने भी elephants थे, पता नहीं उनको पता चल गया था, पता नहीं उनको भगवान ने कौन सी पावर दी है, लेकिन वो सब उस जगह को छोड़ के कहीं दूर चले गए, और यही रीजन है कि उनकी जान बच गई थी। अब इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में, पीपल से दैट द एलिफेंट्स रेन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर। लोगों का यह कहना है जितने भी एनिमल्स थे वो बीच से 1 घंटे पहले ही चले गए थे सुनामी आने के। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू? अब गेल में, जैसे आपको पता होगा, जिन लोगों के पास डॉग्स होते हैं वो उनको सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी गेल में भी जो एक आदमी था वो रोज अपने डॉग्स को घुमाने ले जाता था, और डॉग्स जो है बड़ी मस्ती के साथ खुश होकर जाते थे, लेकिन उस दिन वो, उसका बताना था कि उस दिन मेरे डॉग्स ने वहां जाने से मनाही कर दिया, मतलब वो बार बार उनको खींच के ले जा रहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और बाद में वो ये बताता है कि अगर वो डॉग्स मना ना करते तो डॉग्स की भी जान जाती और उसकी खुद की भी जान जाती। तो हमको यहाँ पे दोबारा से पता चलता है ना केवल एनिमल्स को बल्कि डॉग्स को भी इस बात का आभास हो गया था कि कोई ना कोई तो खतरा है। द डॉग्स इन द गेल रिफ्यूज टू गो टू द बीच, उन्होंने बीच पे जाने से उस दिन मना कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about tsunami? जब हल्की सी उसने अर्थक्वेक की आवाज सुनी तो इग्निशियस को क्या तुरंत ही पता चल गया था सुनामी आने वाली है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने रीजन के लिए आंसर दे। नहीं, जब अर्थक्वेक आया तो उसको लगा चलो छोटा मोटा अर्थक्वेक है, तो उसने क्या किया, अपना टीवी जो कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको उठा के नीचे रख दिया। अब बच्चा पूछेगा नीचे क्यों रख दिया? सो दैट ऊपर से ये गिर ना जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी? किस सेंटेंस से ये पता चलता है जब सुनामी आई तो उनकी फैमिली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि प्लान करें कि भाई हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, क्योंकि सब कुछ इतना तेजी से हुआ? आंसर देखिए, पहले तो हमने वो वाली बात लिख दी, नो, इग्निशियस वॉज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट सुनामी, वो बिल्कुल भी सुनामी के बारे में वरीड नहीं था स्टार्टिंग में। तो ही थॉट इट वॉज एन अर्थक्वेक एंड फॉर सेफ्टी पर्पज ही पुट द टीवी ऑन द फ्लोर फ्रॉम द टेबल। उसको लगा यार छोटा मोटा अर्थक्वेक है, तो सेफ्टी पर्पज के लिए जो टीवी टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसने वो उठा के नीचे रख दिया। अब ये हमसे एक और बात पूछ रहा है कि सेंटेंस, वो वाला सेंटेंस बताओ जिससे ये पता चलता है कि उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो ये वाला जो सेंटेंस है, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स देयर मदर्स फादर ब्रदर एंड रश टू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो बस ये लिख देना। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? अब संजीव कौन है? एक ब्रेव इंसान था जिसने ये परवाह नहीं करी कि मैं दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें से, इनमें से आपको चूज करना है। तो संजीव कौन सा था? ब्रेव था, हीरोइक था, हीरोइक मतलब जिसमें हीरो वाली पर्सनैलिटी है, और सेल्फलेस, अपने बारे में नहीं सोचता था, वो दूसरे के बारे में सोचता था। अब चिल्ड्रन यहां पे आपको बताना है, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। यहां पर ये मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है।
आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, क्योंकि उसने ये नहीं बताया बुक में कि वो चीयरफुल था, एम्बिशियस था या ह्यूमरस। ह्यूमरस होता है एक ऐसा पर्सन जो मजाक करता है, एम्बिशियस होता है एक ऐसा पर्सन जिसको धन कमाने की, पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ब्रेव था, हीरोइक था, ठीक है, सेल्फलेस मतलब खाली अपने बारे में नहीं सोचता था, पहले दूसरों की सेवा करता था। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, हार्टलेस होता है जिन लोगों के मन में दया नहीं होती, जो दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते। अरे यार अगर वो परवाह ना करता तो क्या वो दूसरे की जान बचाने के लिए पानी में कूदता? ब्रैश और केयरलेस तो वो बिल्कुल भी नहीं था, केयरलेस मतलब लापरवाह। हाउ आर मेघनाज एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर, अब देखो जो लड़की मेघना थी और जो अलमाज थी दोनों के साथ एक ही घटना हुई, दोनों की ही फैमिली सुनामी में मर गई थी और मेघना अकेली बची थी अपनी फैमिली से जो सरवाइव कर पाई, और अलमा भी अकेली थी जो बच पाई थी, तो यही सिमिलैरिटी है दोनों में। बोथ अलमाज एंड मेघनाज फैमिलीज डाइड इन सुनामी, दोनों की ही फैमिली सुनामी में मर गई थी, दे वर द ओनली सर्वाइवर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फैमिली, अपनी अपनी फैमिली से ये दोनों ही बचे थे। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड, अब जब टिली ने बताया जो उसके मम्मी पापा को जो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस की मम्मी कुछ होने वाला सी में, अगर वो उसकी बात ना सुनते तो वो किस तरह से बिहेव कर सकते थे? टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड बाय नॉट पेइंग अटेंशन टू हर, हो सकता है वो ये कह देते अरे चल यार तू भी यार मजाक कर रही है हट, है ना, पेरेंट्स अक्सर तो उनकी जान चली जाती। वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस, अगर तुम उसके पेरेंट्स की जगह पे तुम क्या करते? इफ आई वर इन देयर प्लेस आई टू वुड हैव लिसन टू हर, अगर मैं भी उसके पेरेंट्स की जगह होता तो मैं भी उसकी बात सुनता। If Tilly's awards was to be shared, who do you think she would share it? अब टिली ने ना केवल अपनी जान बचाई, अपने पेरेंट्स की जान बचाई, बल्कि बीच में जितने भी लोग थे उनकी भी जान बचाई। अगर टिली को जो अवार्ड मिलता अगर वो किसी के साथ शेयर करती तो वो अवार्ड किसके साथ शेयर करती? अपनी टीचर के साथ, क्योंकि उसके टीचर ने ही उसको ये चीज सिखाई थी कि सुनामी क्या होता है, प्रोजेक्टर पे वीडियो दिखाई थी। तो आंसर है टिली वुड शेयर इट विद हर टीचर। What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea you find more believable? अब दो ideas आपको बताने हैं कि भाई animals इतने कम क्यों मरे, ऐसा क्या है animals के पास? Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Shake का मतलब होता है हिलना। कुछ लोगों का मानना है कि animals के पास एक ऐसी sixth sense, ऐसी power होती है कि उनको पहले से ही खतरे का आभास हो जाता है कि earthquake आ रहा है, tsunami आ रहा है। On the other hand, some experts believe that animals have special hearing powers. और कुछ लोगों का मानना है कि animals के पास कुछ अलग से special powers होती है, which help them to feel the earth's vibration. और जो earth की vibration सुनने में help करती है। Children, इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में, देखता हूँ आप में से कितने बच्चे right answer दे सकते। Had learnt about tsunami in her class. किसने tsunami के बारे में अपनी class में सीखा था? टिली ने सीखा था, संजीव ने सीखा था, गार्ड ने सीखा था या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।